वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ केयर सिरप के बारे में। तो ये जो सिरप होता है, वेरियस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है जब नॉर्मल नहीं होती, उस कंडीशन में इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो सिरप है, कई सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, पेट में ऐठन होती है, क्रैम्प्स होते हैं, उन सभी कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो MRP है वो 260 रुपीज़ है। हिमालया कंपनी का यह प्रोडक्ट है। टोटल 400 ml का ये पैक है। तो ये क्योंकि एक आयुर्वेदिक सिरप है तो इसके अंदर काफ़ी सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अशोका होता है, लोधरा होता है, इसके अलावा काकामाची और पुनर्नवा, शतावरी, एलोवेरा, कोकोनट और काफ़ी सारे अन्य एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो हैं वो हर्बल हैं। तो अब इसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब पीरियड आने वाला होता है उससे पहले काफ़ी सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो फील करती है वुमन। कमर में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों से गर्मी निकल सकती है और दूसरे कई अन्य डिस्कम्फर्ट भी उसको हो सकते हैं। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि पीरियड जो होता है, पीरियड में तो ब्लीडिंग होती होती है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन पीरियड ना होते हुए भी जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। और इसके अलावा कई सारे दूसरे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो सिरप होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे इमोशनल सिम्टम भी हो सकते हैं, दूसरे फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, उसको रेगुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो सिरप होती है ये हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स और पेट में ऐठन, दर्द वगैरह वो जो शिकायतें होती हैं उस कंडीशन में भी इसका अच्छा इसका रिजल्ट है। ये जो सिरप है इसके अंदर ट्रेडिशनली नहीं, काफ़ी पुराने समय से फीमेल हेल्थ को प्रमोट करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर हैं, जो कि फीमेल की हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखते हैं और उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको भी अंडर कंट्रोल रखते हैं। तो अब इसकी जो डोजिंग है वो 2 से 3 टीस्पून जो यानी 10 से लेके 15 ml तक इसको दिन में 2 बार लिया जा सकता है। कम से कम इसको 3 महीने तक यूज़ करना होता है या फिर आपके डॉक्टर आपको जैसा बताएं। अब इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है, इसको हमको कूल प्लेस में रखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए, रेफ्रिजरेटर इसको नहीं करना चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।